आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत और रशिया के बीच में हुई S-400 ट्रायम्फ की डील के बारे में और उसका भारत और पाकिस्तानी वायुसेना पर क्या असर पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की, जिसके दौरान 8 समझौते किए गए। इन 8 समझौते में एक भी डिफेंस रिलेटेड समझौता नहीं था। ये समझौते थे न्यूक्लियर एनर्जी पर, ऑयल और नेचुरल गैस पर, स्पेस पर और रेलवेज पर। लेकिन गौरतलब यह है कि पिछली मीटिंग के दौरान ही S-400 पर बात हो चुकी थी। इस दौरे पर केवल डील साइन होनी थी, जो की जा चुकी है। बाद में ANI ने ये कंफर्म किया कि भारत और रशिया के बीच $5 बिलियन की S-400 डील की जा चुकी है और पहला सिस्टम 2 साल के बाद भारत आएगा। इस सिस्टम को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा खुश नहीं है और वो नहीं चाहता कोई भी देश इस सिस्टम को खरीदे, और इसे रोकने के लिए अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। भारत की इस डील को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। S-400 ट्रायम्फ पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें मूलतः 4 तरीके की मिसाइल्स होती है, 1 लंबी दूरी की, 2 मध्यम दूरी की और 1 कम दूरी की, जिससे यह पूरी तरीके से एयर डिफेंस प्रदान कर सकता है। गौरतलब ये है कि चाइना के पास भी यह सिस्टम मौजूद है, लेकिन चाइनीज सिस्टम में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद नहीं है। चाइना के सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक ही सीमित है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल को शील्ड करने में सक्षम है। S-400 ट्रायम्फ की 1 बटालियन 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और एक साथ 36 टारगेट को तबाह कर सकती है। इस सिस्टम के ट्रैकिंग रेडार्स काफी पावरफुल हैं। एस बैंड और एल बैंड में ऑपरेट करते हुए ये रेडार्स 600 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एनिमी सिस्टम को हवा में डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके मिसाइल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल रेडार 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी एरियल टारगेट को मिनटों में तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए इसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। आमतौर पर एक ट्रक के ऊपर माउंटेड कई कैनिस्टर्स को S-400 समझ लिया जाता है, लेकिन यह सिस्टम उससे कहीं ज्यादा है। जो आप ट्रक के ऊपर माउंटेड कैनिस्टर्स को देखते हैं वो तो केवल लॉन्चर्स हैं, और एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कम से कम 72 ऐसे लॉन्चर्स कंट्रोल कर सकती है। इस सिस्टम में एस बैंड के रेडार्स होते हैं, एल बैंड के रेडार्स होते हैं, मास के ऊपर माउंटेड ऊंचाई पे ऑपरेट करने वाले रेडार्स होते हैं, आई और जे बैंड पर फायर कंट्रोल प्रदान करने वाले आई और जे बैंड के फायर कंट्रोल रेडार्स होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड पोस्ट होती है और कई लॉन्चर्स होते हैं। इस सिस्टम में मिसाइल लॉन्च करने के लिए मिसाइल को गैस सिस्टम द्वारा लॉन्च ट्यूब से 30 मीटर ऊंचा हवा में उछाल दिया जाता है, जहां इसकी रॉकेट मोटर स्टार्ट हो जाती है और दिशा बदलने के बाद यह मिसाइल अपने टारगेट की ओर चल पड़ती है। गौरतलब ये है कि 30 मीटर हवा में उछाले जाने के कारण इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज तो बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम रेंज घट जाती है, जिसके कारण इसकी ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक ही सीमित होती है। सिस्टम में 4 तरीके की मिसाइल्स होती हैं। लंबी दूरी की 40N6, इसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर और ये 14 Mach की स्पीड से आ रहे टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होती है। इसमें एक्टिव रेडार होमिंग टारगेट होता है, जिसके कारण रेडियो होराइजन के नीचे उड़ रहे टारगेट यानी कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी ये भेदने में सक्षम है। दूसरी है मध्यम दूरी की 48N6, इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। 48N6 के 3 वेरिएंट है, TM, E3 और E2। E2 की रेंज 200 किलोमीटर है और ये भी 14 मार्क तक की स्पीड से आ रहे टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल है 9M96 और इसका भी E2 वेरिएंट आ चुका है, इसकी रेंज है 125 किलोमीटर और ये 3 मार्क से 3.5 मार्क की स्पीड से आ रहे टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और चौथी मिसाइल है कम दूरी की 9M96E, इसकी रेंज है 40 किलोमीटर और ये 2.6 मार्क की स्पीड से आ रहे टारगेट को भेदने में सक्षम है। 2014 से पहले तक इस सिस्टम में ट्रांसपोर्टर के तौर पे यूज किए जा रहे ट्रेलर्स ट्रैक्टर ट्रेलर्स थे, लेकिन 2014 में BAZ-64022 को रिप्लेस कर 5P85TEL2 लॉन्चर्स और 5P85SE2 ट्रेलर्स को यूज किया गया। ये ट्रेलर्स पहले की कंपैरिजन में काफी फ्यूल एफिशिएंट थे, जिसके कारण फ्यूल कंजम्पशन 35% तक कम हो गया और जिससे ट्रेलर की कॉस्ट 25% और कम हो गई। इस सिस्टम में यूज किए जाने वाले 40V 6MR रेडार्स एक मास्ट के ऊपर माउंट किए जाते हैं। इस मास्ट की ऊंचाई
कम से कम 30 मीटर होती है, जिसके कारण इनकी रेंज बढ़ जाती है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स जैसे कि लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स इससे बच नहीं पाते हैं। हालांकि ये सिस्टम एक ऑप्शनल सिस्टम है जिसको सभी S-400 में यूज नहीं किया जाता। 64N6E को बिग बर्ड टॉमस्टोन रेडार भी कहा जाता है। ये एक फेज अरे एक्विजिशन रेडार है जो एरियल टारगेट और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम है। ये एस बैंड में ऑपरेट करता है और हाई मोबिलिटी के लिए इसे 8x8 ट्रक पे माउंट किया जा सकता है। यह एक पूरी तरह डिजिटल 3D रेडार है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और यह एक समय पर 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। आमतौर पर इसे दो वैन पर टो किया जाता है और इसे 5 मिनट के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 4 लोगों का क्रू लगता है। 55K6E एक कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है जिसको URL 53-2301 पर माउंट किया जा सकता है। ये काफी मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसकी लोकेशन काफी जल्दी चेंज की जा सकती है, जो आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम से आ रही इन्फॉर्मेशन को यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोसेस करता है और सबसे डेंजरस टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसे नॉकआउट करने के लिए फायर कंट्रोल रेडार को इंस्ट्रक्शंस भेज देता है। 92N6 एक आई और जे बैंड पर ऑपरेट करता हुआ मल्टीफंक्शनल फेज्ड अरे वेपन गाइडेंस रेडार है। इसकी डिजिटल बीम स्टीयर करते हुए टारगेट की ओर मिसाइल्स को गाइड करता है। एक 92N6 यूनिट कम से कम 12 मिसाइल्स, वो भी टाइप 40N6 यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को 6 टारगेट्स के ऊपर 400 किलोमीटर की रेंज तक गाइड कर सकता है। 96L6E हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है और पूरे सिस्टम की इफेक्टिवनेस को काफी हद तक बढ़ा देता है। आइए देखते हैं इस रक्षा प्रणाली के सभी सबसिस्टम्स को करीब से, इनका डिप्लॉयमेंट और फिर ऑपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं, जिसके कारण पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स युद्ध अपनी सीमाओं से दूर किए जाएं, जिसके कारण उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल हो जाती है। लेकिन इन सिस्टम्स के आ जाने के कारण पाकिस्तानी एयरफोर्स का मतलब ही खत्म हो जाता है। इस सिस्टम के रेडार पाकिस्तानी एयर स्पेस को कंट्रोल कर पाएंगे और सभी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंडिंग और कॉन्फ़िगरेशन को भारत के अंदर से ही समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट 55,000 फीट है, उससे ऊपर वेदर बलून्स जाते हैं। लेकिन S-400 ट्रायम्फ के आ जाने के बाद और इसका आकाश और स्पाइडर के साथ इंटीग्रेशन के बाद कई लेयर्स में भारतीय एयरफोर्स भारतीय एयर स्पेस की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएगी। यह बचाव कर पाएगी क्रूज मिसाइल अटैक, लो फ्लाइंग और हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और स्लो मूविंग हेलीकॉप्टर्स से। उसके बाद का डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के द्वारा 30 किलोमीटर की रेंज तक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि AAD और उसके बाद PDV पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को। धन्यवाद। जय हिंद।